उसके बाद में मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी QST क्लिनिक की, तो यहाँ आने का प्लान बनाया। बाकी बांधने से बहुत परेशान था, दवाई मेडिसिन सारी ली। लास्ट डिसीजन लिया कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। कंप्लीट होने के बाद कोई फेयर नहीं हुआ। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी जो है थर्ड मंथ का मेरे थर्ड PRP है, थर्ड मंथ का रिजल्ट है। मेरा नाम अनुराग कुमार है, मैं लखनऊ से आया हूँ और मेरा बांडनेस जो है वो कम एक दो साल पहले से ही हो रहा था। 2021 में 2021 के आसपास से हो रहा था। उसके बाद में मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी QST क्लिनिक की, तो यहाँ आने का प्लान बनाया तो यहाँ का रिजल्ट देखा बढ़िया है, तो मैंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया। उसके बाद में 21 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ और आज मेरी थर्ड PRP है। बाकी बांधने से बहुत परेशान था, दोबारा मेडिसिन सारी ली, उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर लास्ट में इसी क्लिनिक को चुना और यहाँ पे आके आज मेरा रिजल्ट जो है देखिए आप। मेरे मन में आया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते कहीं जाओ तो थोड़ा अजीब लगता था बाल्डनेस की वजह से, और जो है मेरा ये जो एरिया है इतना ये बिल्कुल हेयर लॉस हो चुका था, कोई भी मेडिसिन फ़ायदा नहीं कर रही थी, कुछ भी उससे लाभ नहीं हो रहा था। तो मैंने लास्ट में QST क्लिनिक के हरिद्वार का देखा यूट्यूब पे, यहाँ ही मैंने लास्ट डिसीजन लिया कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और बाकी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा हुआ और जो है मेरा हेयर लॉस जो है वो जेनेटिक था। मैं हरिद्वार में जब सर्जरी के लिए QST क्लिनिक पे आया तो थोड़ा अंदर से नर्वसनेस था कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, दर्द होगा, पेन होगा, कुछ भी पता नहीं चला। अच्छी बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी हो गई, बिल्कुल पेन नहीं हुआ, पेनलेस सर्जरी थी। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो हुआ है QST टेक्निक से हुआ है और मेरे कुछ हेयर जो हैं वियर्ड एरिया से लिए गए, डोनर एरिया से भी लिए गए हैं। और ये सर्जरी के दौरान कोई बिल्कुल हल्का पता नहीं चलता है, जैसे चीटी काटती है वैसा पता चलता है। जब लोकल लग जाता है उसके बाद में तो बिल्कुल पेन नहीं होता है, आराम से सर्जरी हो जाती है, कुछ भी नहीं पता चलता है। सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद कोई पेन नहीं हुआ, कोई मेरे बिल्कुल पता नहीं चला। वन मंथ तक थोड़ा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, डस्ट से और धूप से थोड़ा बचना होता है। शेडिंग फेज तो चलता है लगभग 2-3 महीने तक शेडिंग फेज, डॉक्टर ने बताया था 3 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट यहाँ पे जो मैम है उनसे बात भी करता रहता था सेटिंग पे से कब तक ग्रोथ होगी कब तक नहीं होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। सेटिंग पे इसका पता चलता रहता है होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, लगभग 90% तक हो जाता है सेटिंग पे। बियर्ड एरिया है यहाँ से लिए गए थे बाल, तो यहाँ पे अभी तो कोई निशान नहीं है, पता भी नहीं चलता है। 1 मंथ के बाद बिल्कुल सही हो जाता है, हील हो जाता है पूरा फुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथ। बराबर डॉक्टर की जो है यहाँ की QST की टीम है, वो सारे डॉक्टर्स और नर्सेस बाकी सारे पता करते रहते हैं कि आपका हेयर ग्रोथ कैसी है। वन मंथ के बाद बराबर फोटो भी शेयर करना पड़ता है, कितना ग्रोथ हुआ कितना नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको सर्जरी के बाद कि नहीं हो रही है, तो मैं बताता रहता हूँ कोई नहीं है, इस टाइम सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे क्लिनिक पे मैम के पास कॉल करके पता कर लेते हैं जी। मेरा जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी जो है थर्ड मंथ का मेरे थर्ड PRP है, थर्ड मंथ का रिजल्ट है। यहाँ पे जो भी अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहता है वो करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा बिहेवियर है इन लोगों का। यहाँ पे हरिद्वार में आके QST क्लिनिक पे आप
आ सकते हैं और यहाँ पे विजिट करके पता गली कर सकते हैं और बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है। सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आइए और सर्जरी कराएं, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। नेक्स्ट पीआरटी में मिलते हैं आपको फिर से। थैंक यू क्रिस्टी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।